वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अखलाक नागुटने और आप देख रहे हैं कोकनी माउंटेनियर यूट्यूब चैनल। आज का स्पेशल एपिसोड है हिस्टोरिकल एपिसोड विजय दुर्ग फोर्ट के बारे में। अगर आप मुंबई से बाय ट्रेन आ रहे हैं तो वैभववाड़ी रोड पे उतर जाएं और वहां से बस के ज़रिए विजय दुर्ग फोर्ट आने के लिए देवगढ़ की तरफ आ जाएं और देवगढ़ से भी वहां से लोकल बसेस या ऑटो के ज़रिए जा सकते हैं। अगर आप अपनी कार से वगैरह आ रहे हैं मुंबई या गोवा की तरफ से तो मुंबई गोवा हाईवे पे तलेरे इस स्टॉप से वेस्ट साइड में चले जाएं कोस्टल लाइन पे, वहाँ विजय दुर्ग के लिए वहाँ से पहुँच सकते हैं आप। विजय दुर्ग ये एक आइलैंड पे बना हुआ किला था, लेकिन उसको साउथ से ज़मीन से जोड़ दिया गया, रास्ता बनाया गया। ये किला वागोटन रिवर और अरबियन सी इन दोनों के जंक्शन पर या दोनों के करीब पर बना हुआ किला है और बहुत ही इम्पोर्टेंट किला रहा हर ज़माने में। आपने कहावत सुनी होगी, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। तो चलिए मैं वो इसलिए सिर्फ याद दिलाने के लिए बता रहा हूँ कि राजा भोज सेकंड इन्होंने ये किला बनवाया था। शिलाहार डायनेस्टी के राजा भोज सेकंड, इनका रूलिंग जो पीरियड था 1175 से 1212 यानी 1175 ईस्वी से 1212 तक का इनका पीरियड था और इनका हेड क्वार्टर था कोल्हापुर, तो उन्हें भी किला बनाने की ज़रूरत महसूस हुई थी। उन्होंने विजय दुर्ग का किला 1193 से 1205 इस पीरियड में बनाया था किला, लेकिन बाद के ज़माने में छत्रपति शिवाजी महाराज ने इसे रीस्ट्रक्चर किया, उसमें कुछ चेंजेस लेकर आए, कुछ इम्प्रूवमेंट भी किया जो आगे आप इस वीडियो में देखेंगे। पुराने ज़माने में ये किला सिर्फ 5 एकड़ ज़मीन पे बना हुआ था जो ऊपरी हिस्से में पहाड़ के टीले पे था, लेकिन बाद के ज़माने में छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो इसमें और इम्प्रूवमेंट का काम किया, रीस्ट्रक्चर का काम किया, तो बढ़ते बढ़ते ये 17 एकड़ ज़मीन पे पूरा किला बन गया और बहुत बड़ा किला हो गया। छत्रपति शिवाजी महाराज में इस किले के ईस्टर्न साइड में जहाँ पे वागोटन जो रिवर है जो अरबियन सी में मिलती है और ये रिवर खारे पाटन से शुरू होती है, खारे पाटन जो राजापुर के करीब है, राजापुर सिर्फ 48 किलोमीटर के आसपास होगा, और उसमें 20 बुरुज भी बनाए थे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने लाइफ में सिर्फ 2 बार भगवा झंडा जो मराठा साम्राज्य का या जो कहेंगे मराठा रूलर्स का जो फ्लैग था सेफ्रॉन फ्लैग, वो सिर्फ 2 जगह पे लहराया था, अपने हाथ से फ्लैग होस्टिंग की थी। एक ये किला विजय दुर्ग का और दूसरा पूना डिस्ट्रिक्ट में तोरना फोर्ट जो है, तो 2 जगह पे फ्लैग होस्टिंग अपने हाथों से की थी। विजय दुर्ग किले के पास एक गांव है गिरिये और उसी गिरिये गांव की वजह से इस किले का पुराना नाम था घेरिया, घेरिया फोर्ट कहते थे। वैसे इसको ईस्टर्न जिब्राल्टर के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि उसकी सेफ्टी के लिहाज से या वार जो होती है और उसमें किस तरह से मतलब ये जंगी लिहाज से इस किले का बड़ी अहमियत थी, क्योंकि यहाँ से जो खारे पाटन क्रीक जो है या वागोटन रिवर का जो क्रीक है ये इतना अंदर से छुप के उसका वो ये जल्दी है ना दुश्मनों को नज़र नहीं आती वो रिवर, जिसकी वजह से इसकी बहुत ही मतलब अहमियत काफ़ी थी। यहाँ पे मराठे अपने जहाज इस रिवर में छुपा के रखते थे और दुश्मन पर फिर अचानक हमला करते थे। तो मैं आपको बता रहा था कि घेरिया फोर्ट जो गिरिये गांव इस नाम की वजह से उसका ये नाम घेरिया फोर्ट था,
छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1653 में बीजापुर के आदिल शाह से ये किला हासिल किया था, उनसे उनसे कब्जा किया था उनसे लेकर, और बाद में इस किले का नाम विजय दुर्ग रख दिया। विजय दुर्ग किले से खारे पाटन तक 40 किलोमीटर ये लंबी रिवर, जो वारशिप के लिहाज से या सेफ्टी के लिहाज से बहुत ही इसका इम्पोर्टेंस था, और इस बात को छत्रपति शिवाजी महाराज ने समझ लिया था, इसलिए उन्होंने इस किले को रिकंस्ट्रक्ट किया और अपने ज़माने में मराठा एम्पायर को बढ़ाने के लिए और मराठा जो वारशिप्स है इसका इम्पोर्टेंस ध्यान में रखते हुए इसको डेवलप किया था। 1680 यानी 1680 में छत्रपति शिवाजी महाराज का देहांत हो गया, एक्सपायर्ड हो गए, इंतकाल हो गए, तो उसके बाद जो है उनके बेटे संभाजी जो उनके वारिस थे, तो संभाजी को मुगल एम्परर औरंगजेब ने कैप्चर किया संगमेश्वर तालुका के कस्बा गांव के पास से, और उनको टॉर्चर किया और 21 मार्च 1689 को उनकी डेथ हो गई। तो संभाजी की भी डेथ हो गई, उससे पहले उनके पिताजी छत्रपति शिवाजी महाराज की डेथ हो गई, और इस तरह से मराठा एम्पायर जो है इसका समझ लो इनका जवाल शुरू हो गया। बाद के ज़माने में रायगढ़ किला जो है इनको भी मुग़लों ने कैप्चर किया, उनके हाथों में चला गया, और संभाजी महाराज जिनको टॉर्चर करके उनको वो मार दिया गया था, तो उनकी वाइफ जो थी और उनका एक छोटा सा बच्चा था शाहू, जो बाद में शाहू महाराज कहलाए, इन दोनों को और उनके साथ में उनके और अदर लोगों को, दूसरे लोगों को कैप्चर करके एज अ स्टेट प्रिजनर्स के तौर पर उनको कैद में रखा गया, उनको स्टेट प्रिजनर्स का दर्जा दिया गया था, जो सियासी कैदी होते हैं या पॉलिटिकल जो प्रिजनर्स होते हैं वो स्टेटस देके उनको कैद में रखा गया था। छत्रपति शिवाजी महाराज की सेकंड वाइफ थी, उनसे एक बेटा था राजा राम। तो जब संभाजी महाराज को शहीद किया गया और संभाजी महाराज की फैमिली को कैप्चर किया गया, तो राजा राम जो थे ये छोटे थे, इन्होंने मराठा एम्पायर का चार्ज या सल्तनत अपने हाथ में ले ली, और वह अपने सौतेले भाई शहीद संभाजी महाराज से इंस्पायर्ड थे, उन्होंने मुग़लों से अपनी लड़ाई जारी रखी। उस वक्त मराठा एम्पायर के एडमिरल ऑफ नेवल आर्मी कोली समाज के कान्होजी आंगरे साहब थे, उन्होंने 1698 में विजयदुर्ग को अपनी टेरिटरी का कैपिटल बना दिया। 1700 ईस्वी यानी 1700 में राजा राम एक्सपायर हो गए, तो उनकी बहादुर बीवी ताराबाई ने पूरा मराठा एम्पायर का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया, और अपने मासूम से छोटे से बच्चे, उसका नाम उन्होंने शिवाजी सेकंड रखा था, जिनके बाप राजा राम थे, तो उनको गद्दी पे बिठा दिया। और ताराबाई ने 1700 से लेकर 1707 तक मुग़ल एम्पायर के ख़िलाफ़ अपने ऑपरेशंस जारी रखे। इसी ताराबाई ने कान्होजी आंगरे को सरखेल का खिताब भी दिया था,
और कान्हो जी आंगरे ने देखा कि मराठा एम्पायर में अब वो इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, उसका उन्होंने फ़ायदा उठाया और वो मुंबई से लेकर वेंगुर्ला तक यानी विजयदुर्ग तक मास्टर बन गए थे। सारा समुंदर का यानी कोस्टल जो एरिया था उनके अंडर में था, पूरे फोर्स उनके अंडर में थे। 1707 में औरंगज़ेब का इंतकाल हो गया। औरंगज़ेब के इंतकाल के बाद शिवाजी महाराज की पहली बीवी और उनका बेटा शाहू महाराज, ये जो मुग़लों के कैद में थे, उनको रिहा कर दिया गया, आज़ाद कर दिया गया। अब शाहू महाराज बाहर आ गए और ताराबाई और उनका बेटा जो था शिवाजी सेकंड, अब गद्दी पे कौन बैठेगा, इसकी लड़ाई शुरू हुई और इसका फ़ायदा सरखेल कान्होजी आंगरे जी ने भी खूब उठाया। अब यहाँ होती है एंट्री पेशवाओं की। तो शाहू महाराज जो थे, इन्होंने अपने प्राइम मिनिस्टर को ही पेशवा कहा जाता था। तो पेशवा ये उर्दू एंड पर्शियन लफ्ज़ है, पर्शियन पेशवा। तो उनको सातारा से भेज दिया था नेगोशिएट करने के लिए कान्होजी आंगरे के पास, और उस पेशवा यानी प्राइम मिनिस्टर का नाम था बालाजी विश्वनाथ। अब इन लोगों में सेटलमेंट जो कुछ भी हो गया, इन शॉर्ट मैं अभी वापस और विजयदुर्ग की तरफ आ जाऊं। मराठा एम्पायर के दो हिस्से हो गए शिवाजी की दो बीवियां दो बच्चों में, उसका फ़ायदा उठाया अंग्रेजी ने। अब अंग्रेजी का 4 जुलाई 1729 का इनको इंतकाल हो गया। अब यहाँ पे कान्होजी आंगरे के दो बेटे थे, एक का नाम था माना जी और दूसरे का नाम था तुला जी। तो तुला जी बहुत बहादुर थे बनिस्बत माना जी के। अब ये दो भाइयों में भी अपने जो फादर जो थे कान्होजी आंगरे, उनके एम्पायर को संभालने के लिए कि अब क्या करें, तो एक को ईस्टर्न कोकन दिया गया जिसका हेडक्वार्टर अलीबाग, और दूसरे को दिया गया वेस्टर्न कोकन जिसका हेडक्वार्टर जो बना विजयदुर्ग किला। 1755 में हरने यानी दापोली तलगे के हरने के समुद्री किला जो स्वर्णदुर्ग, जिसका एपिसोड आपने इससे पहले देख चुके हैं, उस पे ब्रिटिश जो कमोडर था जेम्स, उसने अटैक किया था 1755 में। उस वक्त एक कंडीशन ये भी थी कि स्वर्णदुर्ग को पर हमला करना है, उसको हासिल करना है, साथ में बानकोट को भी जीतना है, और इसी कंडीशन पे पेशवाओं ने उनको साथ दिया था। तो वहाँ पे आधी कमर टूट गई यानी स्वर्णदुर्ग आंगरे के हाथ से निकल गया। अब बचा विजयदुर्ग जो इनका मजबूत किला था वारशिप के हिसाब से, और विजयदुर्ग आंगरे के बेटे तुलाजी के अंडर में था, वो उसके कमांड में था। 1755 में सिंधुदुर्ग को जीत लिया अंग्रेज़ों ने, उसके बाद 1756 में आए विजयदुर्ग में, और उस वक्त एडमिरल थे वाटसन। तो वाटसन ने पूरा कवर किया विजयदुर्ग को, और ये मुंबई से आए थे अपने साथ कर्नल क्लाइव को लेकर, और 500 मरीन्स भी इनके साथ में थे। और इंग्लिश शिप्स ने वाटसन फ्लाइंग उसका जो फ्लैग जो था उसके अंडर में सब जमा हो गए और विजयदुर्ग फोर्ट पर हमला किया। विजयदुर्ग फोर्ट के लिए जो लड़ाई हुई उसकी मैं शॉर्ट में डिटेल बता देता हूँ। ये लड़ाई जनवरी और फरवरी 1756 में हुई, विजयदुर्ग फोर्ट के पास हुई, और ये ब्रिटिश
और पेशवा, ये दोनों एक तरफ थे, तो दूसरे तरफ थे मराठा एम्पायर। और मराठा एम्पायर जो टुकड़े में बटी हुई थी, उनके जो मेन कमांड थे तुलाजी आंग्रे, ब्रिटिश जो एम्पायर थे उनके एडमिरल वाटसन थे और नाना साहेब पेशवा पेशवाओं की तरफ से थे। अब स्ट्रेंथ दोनों की कैसी थी देखें। मराठों के पास 2000 की फौज, 250 कैनन्स थे और 200 शिप्स थे। वहीं पर ब्रिटिश के 500 मरीन्स थे और 20 ब्रिटिश शिप्स थे और 1000 मराठा पेशवा के अंडर में थे। अब इसमें कैजुअलिटीज क्या हुई, तो पेशवा और जो ब्रिटिश जो थे इनका कोई लॉस नहीं हुआ नील, जबकि मराठों में यानी तुलाजी आंग्रे के 500 फौजी शहीद हुए, तुलाजी आंग्रे अरेस्ट हुए और इस तरह से विजय दुर्ग किले को ब्रिटिश कंपनी ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने उस पर कब्जा कर लिया और वो लोग जीत गए। तुलाजी आंग्रे ये पेशवास के कैंप में गए और निगोशिएट करना चाहते थे, लेकिन उनकी कोई बात सुनी नहीं गई और उनको अरेस्ट किया गया और उनको किसी किले में, इनलैंड फोर्ट्स में, ज़मीनी किले में उनको एज ए कैदी बना के रख दिया गया। और 11 फरवरी 1756 को इस किले पे मुकम्मल कब्ज़ा किया गया। बाद में ये किला पेशवाओं को दिया गया, लेकिन एक शर्त पे कि कंपनी को यानी ब्रिटिश कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को बानकोट का किला एक्सचेंज में देना पड़ेगा। तो बानकोट के किले के, छोटे किले के एक्सचेंज में विजय दुर्ग का किला दिया गया। इस किले में बहुत सारी दौलत भी थी, गोला बारूद हथियार तो थे यानी 250 पीसेस ऑफ कैनन्स थे, एमिनेशन था उस ज़माने के यानी 1756 में 1,00,000 रुपये कैश थे और 30,000 वैल्यूएबल आइटम्स थे जो ब्रिटिश ने लूट लिए, अपने हाथों ले लिए। आपको मालूम है इस इंडिया को सोने की चिड़िया ऐसी थोड़ी कहा जाता था, ये सारा खजाना ये लोग लेके गए। आपने हमारे और एक इससे पहले के एपिसोड घेरा ईश्वनगढ़ फोर्ट जो राजापुर से करीब है, मूसा काजी वगैरह अम्बोलगढ़ के पास का, उस एपिसोड में हमने आपको बताया था कि घेरा यशवंतगढ़ से अंडरग्राउंड टनल है जो विजय दुर्ग के लिए निकलता है। तो ये वही विजय दुर्ग है जहाँ से टनल बाहर निकलता है। जो अभी तक जो रिसर्च किया गया उसके मुताबिक 122 मीटर लंबा टनल, 3 मीटर की हाइट और 7 मीटर का डायमीटर या ब्रॉड, इस टनल के जरिए भी कुछ मराठा फौजियों ने किले में से निकलने की या भागने की कोशिश की, लेकिन वो भी जख्मी हो गए, शहीद हो गए, उनको निकलने का मौका नहीं दिया गया। छत्रपति शिवाजी महाराज के ज़माने में ही इस किले में या किले के बाहर जो है, जो वागटन क्रीक या खारेपटन क्रीक, वहाँ पे 400 से 500 टन कैपेसिटी के जहाज़ बनाने का कारखाना भी था, यानी डॉक था, नेवल डॉक था, जहाँ पे शिप बनाए जाते थे, शिप छुपाए जाते थे और बहुत ही उस वक्त की मराठा एम्पायर का एक मजबूत किला समझा जाता था। तो दोस्तों ये था शॉर्ट में, और डिटेल में भी आप कहिए, हमने बहुत सारी मालूमात आपको दी, हमने पूरी कोशिश की कि इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको दें। किला अभी भी मजबूत है, अच्छा है, दीवारें मजबूत हैं, तो इसको आपको ज़रूर देखना चाहिए। यहाँ पे और एक चीज़ की हिस्ट्री है कि हेलियम जो है, हेलियम डे जो सेलिब्रेट किया था, मैं उसकी भी इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ। विजय दुर्ग किले को हेलियम का पालना घर भी कहते हैं। ऐसा क्यों, तो एक ब्रिटिश एस्ट्रोनॉमर थे, उनका नाम था, ब्रिटिश साइंटिस्ट एस्ट्रोनॉमर जो थे उनका नाम था सर जोसेफ नॉर्मन लॉकियर। तो लोगों के क्लेम के मुताबिक सोलार जो एक्लिप्स होता है या सूरज ग्रहण,
उसको ऑब्जर्वेशन करने के लिए 18 अगस्त 1868 को सर जोसेफ नॉर्मन लॉकियर ने विजयदुर्ग फोर्ट में एक ऑब्जर्वेशन के लिए प्लेटफॉर्म बनाया और वहाँ से सोलर एक्लिप्स को ऑब्जर्व किया और उसमें से हेलियम जो गैस निकलती है उसके बारे में इन्होंने तहकीक की और उसमें से देखा हेलियम गैस जो है वो येलो फ्लेम की शक्ल में निकलती है। इसी वजह से 18 अगस्त 2009 से अब कंटिन्यू हर साल विजयदुर्ग फोर्ट में वर्ल्ड हेलियम डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो आप ज़रूर विजिट कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू। किले में साफ़ सफाई रखें और आप हमें फेसबुक पे ज्वाइन कर सकते हैं, कुकनी टूरिस्ट हेल्पलाइन, इस ग्रुप पे अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो में आप ये पहले छोटा टनल देख रहे हैं जो अपर साइड से नीचे बुरुज की तरफ निकलता है। इसका डिस्टेंस शॉर्ट है, ये देखिए यहाँ से सीधा बाहर बुरुज की तरफ जाएगा। लेकिन ये जो दूसरा टनल है ये बड़ा टनल है जिसको मैंने 122 मीटर कहा था, कहीं पे 200 मीटर का भी जिक्र है, कहीं पे 1.5 किलोमीटर का भी जिक्र मिलता है। तो ये बड़ा टनल है और इसी में से फौजी उस वक्त गुजर रहे थे जिनके ऊपर अटैक किया गया था, जिसमें बहुत सारे शहीद हुए थे, ज़ख्मी भी हुए थे। तो किले की सफाई का खास ध्यान रखें, ये हमारा विरसा है, इन किलों ने हमारी हिफाजत की है, देश की हिफाजत की है।